हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ प्रशांत और स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। बिग बॉस सीजन 14 में कैप्टेंसी को लेकर हर एक कोशिश की जाती है कि कौन कैप्टेंसी की दावेदारी को जीतेगा। सभी कंटेस्टेंट्स के बीच में जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, रणनीति बनाते हैं सभी लोग, किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, काफी प्लानिंग प्लॉटिंग भी देखने को मिलती है कि आखिर कौन कैप्टन बनेगा। वहीं अब घर में फिलहाल तो कविता जो है वो कैप्टन है। बिग बॉस ने जब वो एंट्री करी थी उन्होंने तभी उन्हें कैप्टन बना दिया था, लेकिन अब एक और टास्क घर में हो रहा है जिसमें कैप्टेंसी की दावेदारी के लिए टास्क हो रहा है। एक तरफ रेड जोन है, दूसरी तरफ ग्रीन जोन के कंटेस्टेंट्स हैं, तो दो टीम डिवाइड हैं। रेड जोन में जैसे कि पवित्रा हैं और राहुल वैद हैं, जान कुमार हैं और निक्की तंबोली हैं, ये चारों के चारों टास्क के दौरान बाहर आएंगे। और घर के अंदर एक मोनूमेंट्स वाला टास्क चल रहा है कि सभी को सवारी पे जाना है, जगह जगह जो मोनूमेंट्स हैं उन पे सवारी के लिए जाना है। तो बाहर जितने भी ग्रीन जोन के कंटेस्टेंट हैं वो सब वहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें रुबीना, जैस्मिन, अभिनव, नैना, निशांत और एजाज, कविता और शार्दुल, ये सभी लोग बाहर मौजूद हैं। तो इनमें से ही कोई ये कैप्टन की दावेदारी को हासिल कर सकता था। तो कल टास्क भी हुआ तो निक्की तंबोली ने नैना सिंह को आउट कर दिया और पवित्रा ने रुबीना को आउट कर दिया, फिर जान कुमार सानू ने कविता को आउट कर दिया और जो राहुल वैद है उन्होंने जैस्मिन को आउट कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी देखने को मिली, जैस्मिन काफ़ी ज़्यादा भड़कती नजर आई जब उनकी कैप्टेंसी की दावेदारी उनसे छीन ली गई, उनको आउट कर दिया राहुल वैद ने। तो इसके बाद अब जो लोग बचे हुए नज़र आ रहे थे वो शार्दुल हैं और अभिनव और एजाज। तो अब इन्हीं में से किसी एक को कैप्टन बनना था, तो अब कैप्टन को लेकर के भी खबर सामने आ रही है कि घर का कप्तान कोई और नहीं बल्कि एजाज खान बने हैं। जी हाँ, बिग बॉस सीजन 14 के नए कैप्टन एजाज खान बने हैं, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। कल के एपिसोड में भी हमने जैसे देखा था कि अपकमिंग में एक वीडियो दिखाई थी, उसमें दिखाया था कि अभिनव शुक्ला के बैक को किस तरीके से उन्हें खींच के एकदम लेकर के जा रहे थे पवित्रा और राहुल वैद्य, और वो अपना बैग उछाल करके फेंक देते हैं और वो बोलते हैं काफ़ी चीज़ें। तो उससे यही लग रहा है कि वो भी शायद आउट हो चुके हैं, तो अब यहाँ पर एजाज ही बचते हुए नजर आ रहे हैं। जो रेड जोन की जो टीम है वो यही चाहती थी कि एजाज खान ही कैप्टन बने और वो कहीं ना कहीं इसमें सफल होती हुई भी नजर आ रही है। तो खबरें यही हैं कि बिग बॉस सीजन 14 के जो दूसरे कप्तान बने हैं वो एजाज खान हैं, और अब एजाज खान कैप्टन बने हैं तो वो किस तरीके से घर के अंदर भूचाल मचाएंगे, तूफान लेकर के आएंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात होगी। क्योंकि एजाज खान जो हैं वो अभी तक अपने गेम को बहुत ही बैलेंस करके चल रहे हैं, उनकी दूसरी टीम के साथ काफ़ी ज़्यादा छपटरी खाती है जिसमें पवित्रा हैं और निक्की तंबोली वगैरह हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जब उनको प्रिविलेज मिलेंगे तो वो किस तरीके से उनका इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से वो अपने सारे एक्शंस लेंगे, पावर का इस्तेमाल करेंगे, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि एजाज खान का कैप्टन बनना ठीक है या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिग बॉस 14 से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।